संस्कृत दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमने दर्शन में अर्थ संग्रह को शुरू करने का प्रयास किया था रूपरेखा के रूप में, क्योंकि दर्शनों को विस्तृत रूप से समझाया था। उसमें हमने सभी दर्शनों को क्रम से लिया था, आस्तिक, नास्तिक, ईश्वरवादी, अनिश्वरवादी, इस तरह से समझाया था। आज से हम अर्थ संग्रह क्रम से अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। ये छोटा सा प्रयास है क्योंकि अर्थ संग्रह उलझा हुआ है बहुत ही, फिर भी हमारी कोशिश रहेगी कि उसको सरलतम विधि से आप तक पहुंचाया जाए। अर्थ संग्रह में एक पहला ही सूत्र है, क्योंकि ये जैमिनी जी के सूत्रों की ही इसमें मुख्य रूप से व्याख्याएं की गई हैं। तो पहला जैमिनी जी का सूत्र है, अथातो धर्म जिज्ञासेति। दो तीन चीजें समझने की हैं इसमें, क्रम से हम अध्ययन करेंगे। अथ, अतः, धर्म, जिज्ञासा। थोड़ा बड़ा हो जाएगा क्योंकि समझना इसको बस थोड़ा सा ही सबको समझना है। इसको हमें मात्र वेद तक समझना है, यानी वेद किसे कहते हैं। जब ये परिभाषा शुरू होगी फिर इसमें कुछ समझने के लिए ही नहीं बचेगा। मात्र मैंने आपको एक चर्चा के माध्यम से बता रहा हूँ आपके लिए थोड़ी सी बातें, क्योंकि जो दर्शन है, दर्शन की मुख्य रूप से शुरुआत जो होती है, जैसे हमने वेदांसार शुरू किया है, वेदांसार में जो कुछ समझने योग्य था कारण शरीर तक वो लगभग समझा दिया गया है। उसके आगे सूक्ष्म शरीर शुरू होगा, फिर स्थूल शुरू शुरू होगा, स्थूल शरीर, तो उसमें समझाने के लिए नहीं है, वहां सिर्फ कंठस्थ करने के लिए है। ऐसे ही अर्थ संग्रह है, ऐसे ही कोई भी दर्शन ले लीजिए आप, शुरू की जो बातें होती हैं बस वही समझने योग्य होती हैं, बात बाकी तो फिर उसको कंठस्थ कर किया जाता है, कंठस्थ करने के लिए होती हैं, फिर समझना उसमें ज्यादा टिपिकल नहीं रहता, कठिन नहीं रहता, फिर सरल हो जाता है। तो यहाँ अथ को समझना, फिर अथ को समझना, अतः को, फिर धर्म और जिज्ञासा, ये चार शब्द हैं। इनको थोड़ा सा देख लेते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में अथ तो धर्म जिज्ञासा, अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथ शब्दानुशासनम, अथ योगानुशासनम, अथ शब्द का प्रयोग हमेशा किया जाता है। अथ शब्द का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि जो भी विषय रखे गए हैं अथ शब्द वाले, वो उन्हीं को बताए जाते हैं जो पहले से उस क्षेत्र में ज्ञान अर्जित कर रहे थे। इसमें थोड़ा सा विषय याद रखना है, जैसे अथ योगानुशासनम, इस पे चलते हैं। तो योग का जो अनुशासन किया है, अर्थात योग को जो व्यवस्था दी है पतंजलि जी ने, तो अथ शब्द का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि वहां के जो लोग थे जो योग में गति करना चाहते थे, प्रवेश करना चाहते थे, तो उनको बहुत सारे विषयों को समझाया गया। उन विषयों को समझाने के बाद जब उनको समझ में आ गई बहुत सारी बातें, तब शुरुआत की उन्होंने अथ शब्द का प्रयोग किया गया। एक उदाहरण के तौर पर, जब छोटे बच्चे होते हैं वो पढ़ना सीखते हैं, तो उनको सबसे पहले कवर्ग सिखाया जाता है, खवर्ग सिखाया जाता है, गवर्ग सिखाया जाता है, का खा गा घा, ये सिखाए जाते हैं, स्वर सिखाए जाते हैं, छोटे से रूप में सिखाए जाते हैं। उसके बाद में फिर उनको शब्दों की व्याख्या सिखाई जाती है। ऐसे ही ये एक तरह से जब अथ शब्द लगा हुआ, उससे पहले वो किसी भी एक उसी विषय से संबंधित अध्ययन कर चुके होंगे, ये मान लिया जाता है। तो यहाँ अथ शब्द लगा हुआ है, तो यहाँ अथ शब्द के लिए बोला है इसमें, वेद अध्ययनानंतरम वचनहा, अर्थात वेद के अध्ययन के बाद अनंतर, अनंतर का प्रयोग किया गया है, वचन का नाम ही अथ है, अर्थात वेद अध्ययन इन्होंने किया है, उसके बाद में जो वचन, उसका वचन शब्द इसमें प्रयोग किया गया है, वचनहा, वचनहा का मतलब अथ। वेद के अध्ययन के बाद में किसी के मन में जिज्ञासा हुई कि ये धर्म है क्या, है ना, धर्म को जानने की जिज्ञासा हुई, पहले वेद का अध्ययन किया, वेद को समझ में आया, लेकिन फिर भी वेद को पूरा कंठस्थ किया, रट्टा उसको, लेकिन उनकी ये समझ नहीं आया कि धर्म है क्या। तो तब उन्होंने ये जैमिनी जी ने बताया है, इस सूत्र का निर्माण किया, अथ तो धर्म जिज्ञासेति,
अर्थात अब धर्म की जिज्ञासा शुरू होती है, तो उसके बारे में अब चर्चा की जाएगी। फिर है अतः। अथ शब्द से भी केवल प्रयोग किया जा सकता था। अथ शब्द सीधा किया, अथ योगानुशासनम, अथ शब्दानुशासनम, अतः शब्द उसमें प्रयोग नहीं किया, लेकिन यहां अतः शब्द का भी प्रयोग किया गया है। तो इसमें एक चीज और है, क्योंकि वेद जो है कोई एक हिस्सा नहीं है, वेद के अनेकों हिस्से हैं, लेकिन उन्होंने दो हिस्सों में इसको बांटा है। तो वेद अध्ययनस्य दृष्टार्थत्वं ब्रूते, इस तरह से इसको बोला है, वेद अध्ययन का दृष्टार्थत्व। दृष्टार्थ दो होते हैं, इसमें दो भाग किए गए हैं, एक होता है दृष्टार्थ और दूसरा है अदृष्टार्थ। दृष्टार्थ और अदृष्टार्थ क्या है, इनको थोड़ा सा जान लें। दृष्टार्थ का मतलब होता है जिसको देखा जा सके, अदृष्ट का मतलब जिसको देखा ना जा सके, या एक तरह से मानिए इसको, ये हो गया लौकिक, ये हो गया अलौकिक। तो यहां पर जो धर्म की जिज्ञासा की जा रही है, तो केवल दृष्टार्थ की जा रही है, यानी लौकिक से संबंध की जा रही है, अलौकिक से इसका कोई भी तात्पर्य नहीं है। वेदांत सार के जब हम शुरू की थी वेदांत की व्याख्याएं, तब हमने उसमें बताने का प्रयास किया था कि यज्ञ से संबंधित जो व्यवस्थाएं हैं वो मीमांसा दर्शन में प्रयोग की जाएंगी, लेकिन अलौकिक व्यवस्था जो है वो वेदांत सार में है, वहां उसमें व्यवस्था की गई। इसीलिए मीमांसा शब्द दो प्रयोग किए गए हैं, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा दृष्टार्थ है, और मुझे ऐसा महसूस होता है कि वेदांत सार जो है, वेदांत जिसको बोलते हैं, वो अदृष्टार्थ के बारे में चर्चा करता है। लौकिक में जैसे पुत्रष्टि यज्ञ से संबंधित जितनी भी बातें हैं वो दृष्टार्थ के अंतर्गत आते हैं। ज्योतिषोम आदि जिसके बारे में चर्चा की है वेदसार में, वो अलौकिक अदृष्टांत के अंतर्गत बात करते हैं। तो इनका इससे अदृष्टार्थ से कोई भी मतलब नहीं है, यहां केवल दृष्टार्थ तत्व इस प्रकार से बात की है। तो अतः जो शब्द प्रयोग किया है उन्होंने, दृष्टार्थ के लिए प्रयोग किया है, यानी कि लौकिक जिसको देख सकें, इसलिए अतः शब्द का प्रयोग करना पड़ा, क्योंकि वेद अध्ययन दो प्रकार से इन्होंने बांटा है, दो प्रकार से कर सकते हैं। तो इनका सिर्फ मुख्य उद्देश्य है इस लौकिक से संबंधित। आगे है धर्म। फिर इतनी बातें जानने के बाद कि दृष्टार्थ के बारे में चर्चा करेंगे, दृष्टार्थ के से संबंधित लेकर के ही धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तब फिर धर्म क्या है इसको थोड़ा सा जानते चलें। धर्म के बारे में लोवाक्षी भास्कर जी ने लिखा है यागादि रेव धर्मा, इसको अलग अलग कर लेते हैं, याग आदि एव धर्म, ये व्यवस्था है, ये इसमें मुख्य है। याग आदि एव धर्म, यानी धर्म की परिभाषा क्या है, ये किसके अनुसार है, इसको याद रखना है, ये जैमिनी जी के अनुसार नहीं है, लोवाक्षी लोवाक्षी भास्कर जी के अनुसार है ये, याग आदि रेव धर्म, अर्थात याग यानी यज्ञ से संबंधित, यज्ञ और यज्ञ आदि, आदि जो शब्द लगा हुआ है इसका तात्पर्य है कि और भी बहुत सारी प्रक्रियाएं जो हैं, लेकिन अब बहुत सारी प्रक्रियाएं अगर इसको एव को बंद कर दिया जाए तो दिमाग में सही से नहीं बैठ पाएगा कि कौन कौन सी प्रक्रियाएं इसमें प्रयोग की जाएंगी। तो सारी प्रक्रियाओं को उसमें लिया जा सकता था, उसमें ध्यान में आता, योग भी सम्मिलित किया जा सकता था, और जितनी भी दर्शनों में व्याख्या की सारी व्यवस्थाओं को उसमें सम्मिलित किया जाता, लेकिन उन्होंने ये शब्द लगा करके सभी को बांध दिया, यानी बांध कर दिया, और केवल याग आदि और उससे संबंधित प्रक्रिया को ही यहां लिया जाता है। क्यों? क्योंकि एव शब्द लगा, याग आदि एव धर्मा, यज्ञ और यज्ञ से संबंधित सारी प्रक्रियाओं को ही धर्म के अंतर्गत इन्होंने रखा है, यह इसमें परिभाषा है। दूसरे में फिर कहा गया है कि उस धर्म का लक्षण क्या है,
यागादि रे धर्मा ये बता दिया, लेकिन धर्म का लक्षण है क्या? उसमें चलने से पहले चलिए इसको देख लेते हैं, धर्म की देख लेते हैं पहले, धर्म का लक्षण क्या है। तो कहा है वेद प्रतिपाद्य प्रयोजन वद अर्थ धर्म, वेद प्रतिपाद्य प्रयोजन वदार्थ धर्म, ये उन्होंने बोला है। इसमें एक चीज और देखते चलें, पहले तो बता दिया उन्होंने कि याग आदि एव धर्म, याग आदि रेव धर्म, फिर बताया उन्होंने कि वेद प्रतिपाद्य प्रयोजन वदार्थो धर्म, धर्म ये तो ठीक है, एक व्यवस्था तो बता दी, लेकिन उसका लक्षण में दिया है जो वेद से प्रतिपाद्य हो, वेद के द्वारा प्रतिपादित किया जाने वाला, प्रयोजनवान, प्रयोजन हो जिसका कोई, और सार्थक हो, ये तीन चीजें इन्होंने दी हैं, वही धर्म है। वेद इसमें मुख्य रखा है इन्होंने, वेद से प्रतिपाद्य, और वेद से हटकर के जब बात की जाएगी तो फिर वो धर्म के अंतर्गत नहीं आएगा, इसलिए यहां पर ध्यान रखना है वेद मुख्य है। अत शब्द में भी और अत शब्द में भी इन्होंने वेद को ही प्रयोग किया है, तो यहां सभी बातें वेद से ही संबंधित रखी जाएंगी, लेकिन यहां दो चीजें समझने की हैं। वेद शब्द दो के लिए प्रयोग होता है, एक तो संहिताओं के लिए प्रयोग होता है, दूसरा वेद शब्द ब्राह्मण के लिए प्रयोग होता है। वेद शब्द संहिता के लिए, ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, सामवेद संहिता, इस तरह जो संहिता है उनके लिए भी वेद शब्द का प्रयोग किया जाता है, और दूसरा ब्राह्मण के लिए भी वेद शब्द का प्रयोग किया जाता है। यहां पर अर्थ संग्रह जो है वो याद रखना है हमें, ब्राह्मण के लिए प्रयोग किया गया है वेद शब्द, ब्राह्मण को आधार बना करके इन्होंने सारी व्याख्याएं की हैं। तो यहां पर जो ब्राह्मण है उनको हमें मुख्य रखना है, दिमाग में सही से बिठाना है, अर्थ संग्रह में या जैमिनी जी ने पूर्व मीमांसा में ब्राह्मण को वेद के रूप में स्वीकार किया है और उसी में इनकी व्याख्याएं की हैं। तो ये धर्म की जो बातें थी वो लोवाक्षी भास्कर जी के द्वारा बताई गई हैं, ये धर्म है, ये धर्म का लक्षण है। जिज्ञासा के बारे में थोड़ी चर्चा कर लें, फिर धर्म की हम एक परिभाषा और बताएंगे। जैमिनी जी के अनुसार जिज्ञासा शब्द से क्या तात्पर्य होता है, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताने का प्रयास किया है एक दो में, तीन शब्द होते हैं, कुतूहल होता है, जिज्ञासा होता है और मुमुक्षा होता है। कुतूहल ऐसा प्रश्न करता होता है जिसको उत्तर से कोई भी मतलब नहीं है, उसको कोई भी उत्तर मिल जाए, ज्यादातर बचपन की व्यवस्था होती है, जो छोटे बच्चे होते हैं वो कोई भी प्रश्न पूछ लेते हैं, किसी के विषय में पूछ लेते हैं और कहीं भी पूछ लेते हैं, उनको उत्तर भी कोई भी दे दीजिए, कहीं भी दे दीजिए और किसी प्रकार से दे दीजिए, उनको उत्तर से भी कोई तात्पर्य नहीं होता, तो वो कुतूहल के अंतर्गत आता है। कुतूहल को भी जानने की कोई खास इच्छा नहीं होती, इसलिए कभी उसको ज्ञान भी खास नहीं मिल पाता। जिज्ञासा थोड़ा सा उससे ऊपर आता है, जिज्ञासा जो होता है वो जानने का इच्छा करता है और उस प्रश्न को जानता है कि मैं क्या पूछ रहा हूं, उसके उत्तर की भी उसको कहीं ना कहीं संभावना रहती है कि मुझे कैसे संतुष्ट होना है, क्योंकि प्रश्न जब अंदर से आया है तो उत्तर भी अंदर ही छुपा होता है, जब बाहर का, हालांकि उसको पता नहीं होता, ये बात दूसरी है, जब बाहर का उत्तर उसके अंदर के कहीं ना कहीं उत्तर जो छुपा है उससे मिलन हो जाता है, मैच कर जाता है, इस तरह से मिल जाता है, तब वो संतुष्टि को प्राप्त होता है। तो ये जिज्ञासा ही होती है, और जिज्ञासु इसको जब तक शांत नहीं होता जब तक कि उसको प्रश्न का सही से उत्तर ना मिल जाए। तो यहां पर जिज्ञासा यानी धर्म की जिज्ञासा हुई है किसी को, यहां मुमुक्षु शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। मुमुक्षु जो होते हैं मोक्ष की इच्छा रखने वाले, उनको प्रश्न का जब उत्तर मिल जाता है ब्रह्म से संबंधित किसी और से संबंधित, तब उसको प्राप्त करने के लिए वो तत्पर हो जाते हैं, मोक्ष में, मोक्ष की जिसमें व्यवस्था दी गई हो। तो यहां मोक्ष की कहीं भी कोई चर्चा नहीं की गई, यहां सिर्फ धर्म के विषय में चर्चा की गई है।
तो उम्मीद रही बातें थोड़ी सी समझ में आई होंगी। अब वेद का भी मैं याद रखना है या ब्राह्मणों के लिए प्रयोग विशेष रूप से प्रयोग किया गया है अर्थ संग्रह में संहिता से, यहाँ इसका कोई ज्यादा खास लेना देना नहीं है। लौकिक से संबंधित है दृष्टार्थ शब्द का प्रयोग किया गया, अतः से ये पूछ लेता है, याद रखना इसको भी पूछ लेता है, इसको भी पूछ लेता है, ये पिछले के आप प्रश्न पत्र उठा के देखेंगे तो पता चलेगा। अतः शब्द से पूछ लेता, अतः शब्द से पूछ लेता है, क्या मतलब है इनका, तात्पर्य क्या है, तो आपको इसको याद रखना है। अब धर्म की हम जैमिनी जी के अनुसार परिभाषा देखते हैं, इसको हटा देते हैं थोड़ा। धर्म की परिभाषा जैमिनी जी ने दी है चोदना लक्षणों अर्थो धर्म। यहां पर चोदना शब्द है, इसको बस याद रखना है। चोदना शब्द यहां पर विधि से संबंधित है, इसका विधि परक के अंतर्गत आता है। जैसे वेद के हम पांच हिस्से करेंगे, वेद के पांच हिस्से होते हैं, इसको थोड़ा लिख दूं मैं यहां, विधि, ये वेद है, वेद के पांच हिस्से किए गए हैं, विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध और अर्थवाद। प्रेरणात्मक है ये, विधि के द्वारा प्रेरणात्मक रूप में जो प्रयोग की जाती है विधि, उसी के अर्थ को लेकर के इन्होंने धर्म की परिभाषा की है। लेकिन विधि केवल एक वेद के एक भाग विधि को ही लेकर के इसका अर्थ लगाया जाए तो थोड़ा सा इसमें विरोधाभासी मालूम पड़ता है। तो जो विद्वान हैं, जो इनका अध्ययन करने वाले हैं, टीका करने वाले हैं, भाष्य करने वाले हैं, उन्होंने यहाँ चोदना जो शब्द है वो प्रेरणात्मक प्रेरणार्थक तो है ही, लेकिन विधि शब्द से युक्त तो माना ही गया है, परंतु इसको वेद का के साथ भी संलग्न किया गया, अर्थात वेद शब्द से भी इसका प्रयोग माना जाता है। इसी से, क्योंकि इसमें वेद विधि जब प्रयोग करेंगे, हम विधि का सब बारे में जानेंगे तो पता चलेगा कि विधि शब्द के द्वारा ही, विधि में ही ये सभी जो चार बचे हैं वो सभी विधि में ही सम्मिलित हो जाते हैं, समाविष्ट हो जाते हैं। इसलिए विधि को वेद के ही अंतर्गत रखा गया और वेद शब्द चोदना के अंतर्गत ही रखा गया। तो यहाँ पर बस ये याद रखना, प्रेरणात्मक जो विधि वाक्य है उसके द्वारा धर्म की परिभाषा जैमिनी जी ने बताई है। अब बात आती है, इसमें उदाहरण दिया है यजेत स्वर्ग कामहा, इसे इसलिए ले रहे हैं हम क्योंकि यहां पर जो भावना है यही से निकलती है। भावना की जो इसमें विधि बताई, भावना ये मानिए कि प्रश्न पत्रों में बहुत जबरदस्त तरीके से आती है और मैं हर एक प्रश्न पत्र में देखता हूं भावना के बारे में अवश्य पूछते हैं। तो भावना जो निकलती है वो यहां से निकलती है। यजेत जो शब्द है वो इसके दो हिस्से हैं, यज धातु और ता प्रत्यय, इतना याद रखना है। एक तो हिस्सा हो गया यज धातु, दूसरा हिस्सा हो गया ता प्रत्यय। अब ता प्रत्यय के भी दो हिस्से हो जाते हैं, एक हिस्सा हो गया आख्यातत्व दूसरा हो गया लिंगत्व, ठीक है। ये लिंगत्व नहीं है, लिंगत्व यही है। तो आख्या तत्व हो गया इसमें, अर्थात ता प्रत्यय जो है पांच लकारों में प्रयोग किया जाता है। जब हम लकारों का अध्ययन करते हैं तो ये ता क्या है, तिप्तस जी वाला ही तो ता है, तिप्तस जी सिप्तस मजमस, ये सूत्र जब प्रत्यय जब लगते हैं वो उसी का है। ये आख्या तत्व यानी पांचों दसों लकारों में प्रयोग किया जाता है और लिंगत्व के रूप में प्रयोग किया, अर्थात यहाँ पर विधि लिंग के रूप में इसको प्रयोग किया गया। तो ये दोनों रूप में इसके दो रूप हो जाते हैं ता प्रत्यय के। इसके बाद की इनकी जो भावना है, इनसे जो भावना पैदा होती है इस लिंग से, अर्थात
विधिलिंग से वो भावना इसमें प्रयोग की जाएगी। तो भावना क्या है, अब इसकी चर्चा चलेगी। इसमें बता रहा था मैं कि ये क्रम तो है, लेकिन क्रम एक उलझा हुआ सा है, कहां से कौन सी चीज ली गई है ये समझ में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो यहां से भावना शब्द को लिया गया है। जब कोई कहता है कि यजेत स्वर्ग कामा, यानी स्वर्ग की कामना के लिए यज्ञ करना चाहिए, तो भावना किसी ने कह दिया तो किसी के मन में भावना जगी। देवदत्त का उदाहरण दिया गया है इसमें, ऊधनम पच का। जब कहा को ऊधनम पच, तो देवदत्त के मन में ये भावना जगी कि ऊधन यानी चावल को पकाना है, तब वो प्रक्रिया यहां से शुरू होती है भावना। अब भावना क्या है इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, ठीक है। भावना के बारे में बोला गया है, इसको लिख देता हूं मैं, भावितुर भावनानु भावना भावितुर भावनानुकूल भावितुर व्यापार विशेषण, ये बोला गया है। भावितुर भावना अनुकूल भावितु व्यापार विशेषः, इसमें तीन चार चीजें हैं। भावितु भवन अनुकूल, इसको अनुकूल है ना, भावेतुः व्यापार विशेषः, ये सब जो है एक दो तीन ये भूधातु से ही उत्पन्न हुए हैं। भावितु मतलब उत्पन्न होने वाली वस्तु, इसको याद रखना है। उत्पन्न होने वाली वस्तु की उत्पत्ति में भवनमान होना, भवनमान क्या होता है होना, जैसे गमन गमनमान जाना, ऐसे ही लिट प्रत्यय लगा है इसमें, तो इसमें होना प्रयोग हुआ है, तो उत्पत्ति में इसका प्रयोग हुआ है। यानी उत्पन्न होने वाली वस्तु में वस्तु की, क्योंकि काकी की षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, उत्पन्न होने वाली वस्तु की उत्पत्ति में, इसको अभी छोड़ देंगे, उत्पन्न होने वाले इन्हें उत्पन्न करने वाले, क्योंकि उत्पादक है ये भावितु मतलब उत्पादक, यानी उत्पन्न करने वाले का व्यापार विशेष, षष्ठी विभक्ति का इसमें प्रयोग किया गया है। अब दोबारा से एक बार और सुन लीजिए इसको, उत्पन्न होने वाली वस्तु की उत्पत्ति में उत्पादक का या उत्पन्न करने वाले का, इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। व्यापार विशेष अनुकूल का मतलब होता है कारण, व्यापार विशेष कारण भावना होती है, ठीक है। इसको ऐसे बोल देते हैं, व्यापार विशेष कारण, इस तरह से प्रयोग लगा करके भावना होती है या भावना कही जाती है। तो यहां याद रखना है, जो व्यापार विशेष है उसका जो कारण है उसका नाम भावना है। तो अब यहां पर ये समस्या बन जाती है, कोई वस्तु है उसको उत्पन्न करना है, कोई वस्तु है उसकी उत्पत्ति में जो कारण है अनुकूल है, अनुकूल का मतलब जो कारण है वही भावना है। तो इसको तीन भागों में बांटा गया है, भावना को दो भागों में। एक भावना का नाम है शाब्दी भावना, एक है शाब्दी भावना और दूसरी है आर्थी भावना। शाब्दी भावना और आर्थी भावना क्या है इसको थोड़ा सा जानेंगे तब बातें साफ हो पाएंगी। तो ये उम्मीद है कि समझ में आ गए होंगे भावना किसे कहते हैं। ये ज्यों की त्यों प्रश्न पूछ लिया जाता है, भवितुर भावना अनुकूलो, भवितुर भावना अनुकूलो भावितु व्यापार विशेषा, बस इस यही प्रयोग है इसका। भवितु षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया, इसलिए उत्पन्न होने वाले की भवन उत्पत्ति में, भावितु में उत्पादक का व्यापार विशेष कारण
भावना कहलाता है, ये इसके पूरी परिभाषा है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि भावना जो है उसके दो भाग हैं, शाब्दिक भावना और आर्थिक भावना। अब शाब्दिक भावना और आर्थिक भावना को जान लेंगे तब हमारे मस्तिष्क में पूर्ण रूप से बैठ जाएगा, फिर हम अच्छे से वेद में प्रवेश कर पाएंगे। वेद में जैसे ही हम प्रवेश करेंगे, इसमें वेद में बोला गया है वो क्या बोला गया वाक्य, वो मैंने पहले ही बताया था, उसकी फिर ये पांच भाग हो जाएंगे, फिर पांचों भागों को हम क्रम से अध्ययन करेंगे तब ये पहली सीढ़ी हम पार करेंगे। अभी तक तो ये एक तरह से ये रूपरेखा ही मात्र चल रही है, यही उलझाव होता है, याद रखना है आपको कि ये भावना बीच में से कहां से आई। भावना निकली थी जैमिनी जी के सूत्र से, जो यजेत स्वरूप काम है वहां से, ठीक है, जहां से करने की जो व्यवस्था है। चलिए उदाहरण देखते हैं, अब हम इसको थोड़ा सा मिटाएंगे क्योंकि इसे थोड़ी बड़ी है ये, तो उम्मीद है ये बातें समझ में आ गई होंगी। भावना को दो भागों में बांटा गया है, ये हम चर्चा कर चुके हैं, शाब्दी भावना। शाब्दी भावना के बारे में बोला गया है, पुरुष प्रवर्तयो प्रवर्त्य अनुकूलो भावेतु व्यापार विशेषः। इसमें पुरुष शब्द को याद रखना, ये बहुत आता है कि शाब्दी भावना क्या है, तो पुरुष प्रवर्त्य अनुकूलो भावेतु व्यापार विशेषः, ये इसमें प्रयोग किया गया है। और ये तीन भागों में बांट दी गई है, दोनों ही आर्थी भावना, ये भी तीन भागों में बांटी गई है, ये भी तीन भागों में बांटा गया है, इनको हम दोनों को बना लेते हैं। आर्थी भावना के बारे में बोला गया है, प्रयोजन इच्छा जनित क्रिया व्यापार विशेषः, प्रयोजन इच्छा जनित क्रिया व्यापार विशेषः, इस तरह से प्रयोग किया गया है। अब इनको तीन भागों में बांटा गया है, साध्य साधन इति कर्तव्य, ऐसी यही साध्य साधन इति कर्तव्य, ठीक है। इसमें बोला गया किं भावयेत, केन भावयेत, कथम भावयेत, इसमें भी यही बोला गया है किं भावयेत, केन भावयेत और कथम भावयेत। एक चीज और है इसमें, पुरुष प्रवृत्ति अनुकूलो भावितुर व्यापार विशेषा, ये तो बोला ही गया है, साथ में बोला गया साचा लिंगत अंशेन उच्चते, अर्थात लिंग अंश से इसका उच्चरित की जाती है, इसमें लिंग अंश मुख्य है तो याद रखना है। और इसमें जो हमने ताप्रत्यय के आख्यात अंश और लिंग लिंगत्व जो बनाए थे, दो हिस्से किए थे, उसमें लिंग अंश के अंतर्गत शाब्दी भावना का प्रयोग किया जाता है और आख्यात अंश साचा आख्यात अंश अनुच्चते, इसमें आर्थिक भावना बोला गया है, तो आख्यात अंश के अंतर्गत आर्थिक भावना को रखा गया है। इसमें साध्य क्या है, साधन क्या है, इति कर्तव्य क्या है, शाब्दी भावना में किम भावे क्या किया जाए, कैसे किया जाए, किससे किया जाए और कैसे किया जाए, इसका ये अर्थ होता है। तो साध्य जो है इसमें याद रखना है आपको, आर्थी भावना है इसका जो साध्य है, क्योंकि शब्द की जो व्यवस्था है वो अर्थ पर चली जाती है, इसलिए इसकी जो है वो आर्थी भावना। साधन क्या है, लिंग ज्ञान। इति कर्तव्य क्या है, क्योंकि इसका इति कर्तव्य कुछ हो नहीं सकता है, वो आर्थी भावना में ही जाकर के पता चलता है, तो यहां प्रशंसा शब्द को प्रयोग किया गया है, तो ये इति कर्तव्य के अंतर्गत आता है। ऐसे ही इसमें साधन क्या है, साध्य क्या है,
साध्य है इसका स्वर्ग आदि फल। साधन क्या है? याग आदि कारण करण। और इति कर्तव्य में आता है इसमें प्रयास आदि अंग समूह। यार ठीक है, तो प्रयास आदि अंग समूह इति कर्तव्य के अंतर्गत आता है। थोड़ा सा एक बार और जानते चलें, ये शाब्दी भावना में है। शाब्दी भावना का मुख्य जो है, वैसे इसमें लिख दिया गया है, यहां पर आख्यात तत्व याद रखना है। आख्यात जो है उसका वो विशेष है, यहां लिंग ज्ञान विशेष है। साध्य साधन इति कर्तव्य ये दोनों में है, आर्थिक भावना में भी है और शाब्दी भावना में भी है। किम भावेत केन भावेत कथम भावेत ये तीनों में है प्रयोग की जाती है। साध्य जो है शाब्दी भावना का वो आर्थिक भावना है, साधन इसका लिंग ज्ञान है, इति कर्तव्य इसकी प्रशंसा है, अर्थवाद के नाम से भी जाना जाता है इसको। ठीक है, साध्य इसका स्वर्गादि फल है, यानी स्वर्गादि, क्योंकि आर्थिक भावना जो होती है वो स्वर्गादि फल से संबंधित है इसका। साधन क्योंकि यज्ञ से स्वर्गादि फल की व्यवस्था यज्ञ से है, तो यज्ञ आदि इसके करण के रूप में प्रयोग किया, साधन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इति कर्तव्य क्या है? प्रयाज आदि का अंग जो समूह होता है वो इति कर्तव्य के अंतर्गत आता है। ये भावना है तीनों, भावना हमने तीनों जान ली, शाब्दी भावना, आर्थिक भावना और भावना। उसके बाद में अब सीधे वेद से शुरू किया जाता है, तो उसके बारे में जो चर्चा की जाएगी कि वेद क्या है, क्योंकि सारे जो भी व्यवस्था है वो पूरे वेद पर ही टिकी हुई है। वेद के बारे में हम अगले वीडियो से जानकारी अर्जित करेंगे। उम्मीद है ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और यदि अच्छा लगे, हमारा प्रयास थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगे तो कमेंट अवश्य करें, जिससे हमें उत्साह मिले। ये मैं कई बार कह चुका हूँ लेकिन शायद टाइम नहीं मिल पाता होगा, कोई बात नहीं है, आज के लिए इतना ही है।